महीना है, इस महीने की जो ये रात गुजरी है आपके विशाल का दिन है। आप खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं जो गौस और आजम रजी अल्लाह तआला का जिक्र सुनने सुनाने के लिए इकट्ठे हुए। शरसाब का हम लोग हुक्म है सिर्फ दस दस तकरीबन। मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है फलस्तीन, मस्जिद अक्सा और गौस आजम रजी अल्लाह तआला। दस सदियां पहले मस्जिद अक्सा और आज मस्जिद अक्सा, दस सदियां पीछे चलो पूरे अरब के अंदर जो हालात आपको अब नजर आ रहे हैं इससे बदतर हालात थे। गुदराशनी और अलग था लेकर हुक्मरानियां टूट गई थी। मामून रशीद का दौर था, हर मुल्क में हर शहर में अपनी अपनी हुक्मरानी नज़्म और ज़ब्त था, क्या सारी थी यानी इंसानियत सिर्फ रही थी। यहूदियत और नसरानी जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा किए हुए थे। उस दौर में अल्लाह तबारक ताला ने इंसानियत पे करम किया। मेरे और आपके गौस 470 हिजरी में ईरान के सूबा गिलान में आपकी पैदाइश हुई। यकम रमजान शरीफ को आपकी पैदाइश हुई है। मुख्तसर तार फाड़ा 11 साल आपकी उम्र ही आपके वालिद फौत हो गए। आपने हिफ्ज़ अपने वालिद से किया। 12 साल तक आपने बरियाती रूप अपने वालिद से पढ़े। एक दिन घर से बाहर निकले, एक बैल तड़ से करे पंजाबी में आपके आगे जा रहा था, उसने पीछे मुड़कर आपको कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुम किधर जा रहे हो, तुम्हें रब ने इस तरह फिरने के लिए नहीं भेजा, दुनिया में तुझे किसी मकसद के लिए भेजा है। आप हैरान हो गए कि बैल बढ़ता रहा है, फौरन दौड़ रहे काम की छत पे चढ़े। जब छत पे चढ़े मुंह किबला की तरफ किया, मदाले अरफात तक सारे हजार उठ गए। सुभान अल्लाह, नौ जुल हज थी, लोग वहां आपने देखे वापस आ गए, समझ आ गई, इशारा मिल गया क्या करो, दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो, दीन के लिए लौट जाओ। आपके वालिद को कहा अम्मी हजूर वालिद की उम्र 76 साल है, 76 साल ज़ईफ है, जरूरत है बेटे की। लेकिन जब माँ को कहा ना मुझे इल्म दीन के लिए वक्फ करो, माँ ने सीने से लगाया बेटा जाओ तुझे वक्फ किया। सुभान अल्लाह, गुरदासपुर चले गए, वहां से 632 किलोमीटर गुरदासपुर है इराक में चले गए। सफर किया, रात में चोरों ने डाकू ने लूटा, आपने सच बोला, 40 दिनार वापस हुए। यूनिवर्सिटी मदरसा निजामिया था उस वक्त गुरदासपुर के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लाम की, जिसके अंदर एक नहीं जदीद करीम सारे लोगों को पढ़ाए जाते थे। वहां गुजारी जैसे लोग वहां प्रोफेसर पढ़ते, इतनी बड़ी हस्तियां लामा इब्राहिम चौधरी वहां प्रोफेसर पढ़ रहे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। आप दाखिल हो गए, दौरान तालीम आपने इतना मुजाहदा किया, इतना मुजाहदा किया कि कई दिन तक आपने ना खाना ना पीना, भूख लगने पत्ते खाने, जो पैसे पास आने घर से खर्चा यतीमों मसकीनों में तकसीम कर दे, यानी मुजाहदे की इंतहा कर दे। क्यों समझो ऐसा क्यों हुआ, एक मसाल समझे, किसी हुक्मरान किसी वजीर किसी गवर्नर के घर आना जाना हर शख्स का नहीं हो सकता, हर शख्स को कोई अपने घर में नहीं जाने देता। जब उसको पता चले ज्ञानदार है, निगाह पाक है, जबान का पक्का है, मन का पक्का है, वो एक होता है, तो जिसने हरीम कहते हैं घर, हरीम कुदस, जिसने अल्लाह के सेन में जाना हो, अल्लाह के कुर्ब में जाना हो, उसे अपना पहले मन पाक करना पड़ता, पहले किसी मुर्शिद की जरूरत है, फिर पहले फनाफी शहर, फिर फनाफी रसूल होगा, उसके बाद फनाफिल्ला होगा। वो उस पकड़ के सारी मंजिल तय की। अब
आपने 8-10 साल वहां पढ़ा, इल्म हासिल किए, सारे इल्म हासिल किए, उसके बाद बगदाद में ही मदरसतुल कादरिया जामिया कादरिया बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने वहां 32 साल पढ़ाया। और याद रखे उस वक्त हालात ऐसे थे, पहले ये मस्जिदे अक्सा जो थी आपको पता है सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आजाद करवाई थी, सुभान अल्लाह। 3-2 सदियों के बाद जो दीन फिर कब्जा कर लिया, मेरे तेरे गौस पाक ने जब पढ़ना शुरू किया तो नींद की मालक मुझे तौफीक दे मस्जिद अक्सा को आजाद करना, सुभान अल्लाह। फलस्तीन के मुसलमानों को आजाद करना है। 32 साल तक गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिधर बैठे ये मदरसा है, यहाँ बच्चे कुरान पढ़ते हैं, आज फलस्तीन पे कितना जुल्म हो रहा है, यूनिवर्सिटियां गवर्नमेंट की जेब पे करोड़ों खर्च हो रहा है, वहां से पढ़कर कोई मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं कराएगा। इन्हीं मदरसों से शाह साहब की तरबियत से सादात की तरबियत हासिल करने वाले नौजवान जाएंगे, गुलामा ने रसूल जाएंगे, वही मस्जिद अक्सा को आजाद कराएंगे। आओ 10 सदियों पीछे मेरे तेरे गौस ने तय कर लिया कि मस्जिद अक्सा को आजाद किस तरह कराना है, कि एक लश्कर चाहिए, नौजवान चाहिए, आप हर साल 3-4-5 हजार नौजवान फारिग करते, जिनको सिर्फ पुरानों जिसकी दिल नहीं, घुड़सवार नेजाबाजी जिहाद जहां बानी हुक्मरानी सारे लोग से माला माल करके फारिग करते, सुभान अल्लाह, आज के रसूल बना कर फारिग करते। और उस दौर में सुल्तान नूरुद्दीन संगी का दौर था, किसका दौर था, और उधर मान गजाली रहमत तआला मदरसा नजामिया के अंदर नौजवानों की खेतियां कर रहे थे। इन दोनों लोगों की सोच क्या थी, ऐसे नौजवान ऐसा लश्कर तैयार करें जो मस्जिद अक्सा को जाकर आजाद करवाए। आपने नूरुद्दीन जंगी को कहा कि तुम नौजवान हो, हजरत सलाउद्दीन अयूबी ये उसका दौर था, ऐसे करो तुम नियत करो, फौज हम आपको देते हैं, ये बैतुल मुकद्दस आपने आजाद कराना, सुभान अल्लाह, मेहनत हमारी होगी। और नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला ने एक लश्कर बनाया जिसमें आधी फौज गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द थी, सुभान अल्लाह, और आधे लोग इमाम गुजाली के शागिर्द थे, और 505 में नूरुद्दीन जंगी का वसाल हो गया, मस्जिद अक्सा आजाद नहीं हुई, 505 में इमाम गुजाली का इंतकाल हुआ, 561 हिजरी में गौस पाक का इंतकाल हो गया, और 569 हिजरी में नूरुद्दीन जंगी का वसाल हो गया। पीछे रहते सल्तनत सलाउद्दीन अय्यूबी, आपने 483 हिजरी में 583 हिजरी में मस्जिद अक्सा को आजाद करवाया, सुभान अल्लाह। उस सल्तनत सलाउद्दीन अय्यूबी के लश्कर का जो सिपा सरदार था इब्ने नजा, वो मेरे तेरे गौस का शागिर्द खास था, सुभान अल्लाह। ये है गौस पाक की सबसे बड़ी करामत कि आपकी मेहनत से सल्तनत सलाउद्दीन अय्यूबी ने आपके वसाल के 22 साल का मस्जिद अक्सा को आजाद कराया था। पीछे मेहनत किसकी थी, कौन है सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो इमाम वक्त के इमाम सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफा था दुनियादार मुस्तमदिन बिल्ला, वो 10 अशरफियों के थैले बड़े बड़े नौकरों के सरों पे लाकर आपके बारगाह में हाजिर हो गया। हजूर नजराना ले लो मदरसे में यूनिवर्सिटी में, आपने कहा दुनिया के बादशाह ले जा सारा सामान, उसने कहा नहीं जनाब मैं ये नजराना है, आपने एक आदमी चेहरा फोटा दूसरे में दूसरा ऐसे दबाया, खून बहना शुरू हो गया। आपने कहा वो इज्जत है, अपने इज्जत है हुर्मा को इत्तेसा नहीं, बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तरत तमा यजरीला मजरे ही, अगर मुझे ये जानना होता कि ऐ खलीफा तू ही मेरे नबी का उम्मत ही है, अगर इस निसबत का जानना होता मैं तेरी थैलियों को इतना दबाता इतना खून निकलता तेरे महल सराब में बैठा थे। फिर ये बात है
আপনি আপনি কেরামতা পাও কেরামতা পাও আপনি কি কি কেরামত জবাব না দাও করো নেই নেই না তুমি কেরামতা পাও মুসা আইসা তা মুসা কা জি সেব লাও সেব তো মুসা নেই তা পুরো রাত পে কই সেব দরত পে লাগে হুয়ে থে আপনি ফজা মে না হাত বড়া দিয়া দো সেব আ গে সুবহান আল্লাহ কোন সুরত এক ওয়াক্ত কে ধরিয়া তো দিয়া এক খুদ খুদ কাটা ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਵਾਸਾ ਨੇ ਕਾਟਾ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀੜੂ ਵਾਲਾ ਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਆਪ ਜਰਾ ਨੇ ਆਪ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਲਮਸਤਹ ਯਦੁਲ ਸੁਲਮੀ ਲਾ ਬਦਦਤ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੁਲਮ ਔਰ ਜਬਰ ਵਾਲੇ ਥੇ ਸ਼ੇਬੂ ਮੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਥਾ तेरे ये सुनो के हाथ लगे सेब सड़ गया कीड़े पैदा हो गए वो बहुत बात थे बड़ी आपकी करामते हैं सबसे बड़ी करामत ये कि आपने मस्जिद अफसर को आजाद कराया जिधर बैठे इसी इसी मदरसे का तालिबे में पूरे शहर सरपुर को टॉप किया मैटर पे यहाँ पर दर्शन सबसे तबीयत रही था एसएससी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा आज वो नौजवान मदीना यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा है ये मदरसों से उठकर लोग जाएंगे ये मस्जिद अक्सा को ये जो जितने हुक्मरान कफर चोर है ये मस्जिद अक्सा को नागरी को आएंगे ये मुल्क के प्रोटेक्टर आएंगे इसलिए मेहरबानी करो हजूर के आगे अपना तल्लुक प्यारे आका के साथ हजूर का इश्क और मोहब्बत दाता इकबाल ने कहा अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद और फरीद है इश्क अब तक दिल नगा जब तक इश्क के ताबे ना हो बता मुस्तफा करीम के ताबे ना हो अकल दिल और निगाह का मुर्शिद और फरीद है इश्क इश्क ना हो तो ये शरा ये दीन खुद करो सब और आज अगर इश्क के मुस्तफा दिल में नहीं है तो नमाज भी पढ़ रहे हो तो शोरत का बोध है किसी के दिल में दौलत का बोध है किसी के दिल में हुक्मरानी का होता है बुत करा है शरा और दीन नहीं है हर के इश्क के मुस्तफा सुभान ने उस वाह हर हर दर गोशाए दामान ने उस जिसे प्यारे आका का इश्क नसीब हो जाता है वही मुस्तफा का गुलाम बन जाता है और दुनिया की सारी नेमतें उसके दामन में आ जाती हैं कि मोहम्मद से वफादू है जो हम तेरे हैं जहां जी गया लोग करम तेरे हैं बाबा अलैहि